वार्ता आपकी, आपका नजरिया, आपकी आवाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ई रूपी ऐप की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देना है। ई रूपी को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को और डीबीटी को प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। पीएम ने कहा कि सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या किसी दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो कैश के बजाय ई रूपी से दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। पीएम ने कहा कि ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पस स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करेगा। इस सिस्टम को NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर बनाया है और सभी बैंक ई रूपी जारी करने वाले एंटिटी होंगे, यानी बैंक इसे जारी करेंगे। किसी भी कॉरपोरेट या सरकारी एजेंसी को स्पेसिफिक पर्सन और किस उद्देश्य के साथ भुगतान किया जाना है इसे लेकर सहयोगी सरकारी या निजी बैंक से संपर्क करना होगा। बेनिफिशियरीज की पहचान मोबाइल नंबर के जरिए होगी और सर्विस प्रोवाइडर को बैंक एक वाउचर आवंटित करेगा जो किसी खास शख्स के नाम पर होगा और अमाउंट सिर्फ उसी शख्स को डिलीवर होगा। सरकार के मुताबिक ई रूपी के जरिए कल्याणकारी योजनाओं को बिना किसी लीकेज के डिलीवर किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर स्कीम्स, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और खाद सब्सिडी इत्यादि योजनाओं के तहत सर्विस उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा सरकार के मुताबिक निजी सेक्टर भी अपने एम्प्लॉइज वेलफेयर और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स के तहत इन डिजिटल वाउचर्स का उपयोग कर सकते हैं। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.